हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं लहंगा ब्लाउज़ की फुल स्टिचिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों इसी के साथ में। तो हमने ये सादा इसी सिंपल काट लिया है अभी, क्योंकि लहंगा का ब्लाउज़ जो है इसमें छापे वाला तो ये काफ़ी बड़ा था, तो हमने अस्तर को सादा सादा काट लिया है। और सादा काटने के बाद दोस्तों इस तरह से निकाल लिया है, एक पार्ट को अलग कर लिया है और इस वाले पार्ट को भी इसी तरह से अलग कर लेंगे। ये अस्तर हमने सिर्फ सादा कटिंग की है, इसी इसमें भी कटिंग होगी तो साथ में ही हो जाएगी, जब बनाएंगे उसके साथ में ही कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आस्तीन है हमारी और ये आस्तीन है, इसी के ऊपर से हमने आस्तीन की कटिंग की है सही से, और बकाया सामने वाले पल्ले की ऐसे ही कटिंग कर ली है। ये बनाते समय ही कटिंग हो पाएगी इसकी सही से। इस तरह से आस्तीन की कटिंग करके रख ली है मैंने, आस्तीन निकाल के फिक्स। ये दोनों आस्तीन की कटिंग हो चुकी है और अब हम स्टिचिंग करेंगे इसकी और साथ में कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये काफ़ी बड़ा ब्लाउज था लंबाई में, तो हमें इसे छोटा करना है। तो किस तरह से करेंगे देखिए, इस वीडियो में दिखाएंगे आपको। इसका गला जो है 6.5 इंच तक रहना चाहिए, तो 6.5 इंच तक हमने निशान लगा लिया है। और ब्लाउज़ की लंबाई जो है वो कम होनी है, तो हमने इस तरह से उठाकर ब्लाउज़ को इस तरह लगानी है हमें। देखिए दोस्तों, यहाँ से और यहाँ तक मुझे 14.5 इंच की लंबाई चाहिए थी इसकी, तो हमने निशान लगा लिए। और इसको जो डिज़ाइन बनी हुई है कढ़ाई की, तो हमने यहाँ से इस तरह से उठाया इसे और सिलाई से अटैच कर दिया है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली इसके ऊपर से, इसमें जोड़ भी नहीं लगेगा और सिलाई लग जाएगी। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया और इसकी लंबाई कम हो गई है। देखिए 14 इंच, 14.5 इंच आ गई है, आधा इंच दबाव में चली जाएगी, फिक्स हो जाएगी। और ये सेंटर का निशान लगा लिया हमने चाक से, बीचों बीच सेंटर का है गले का। और इसके ऊपर से हम अस्तर रखेंगे, अस्तर को हमने सादा कटिंग की है, इसमें भी हमने प्लेट के निशान नहीं लगाए हैं, सादा कटिंग करके ऐसे ही ऊपर से रखा है, सीधा कपड़ा रखकर ऊपर से अस्तर रखा है। और हमें यहाँ से सीधा टांगा लगा देना है एक, ताकि अस्तर जो है इधर उधर हटे ना। इस तरह से और अब हमें इसके गले के हिसाब से लगानी है सिलाई। ये 7 इंच आ रहा है चौड़ाई, तो हमें हल्की सी पाइपिंग निकालनी है इसमें, लगभग इतनी आधे पैर की। तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे दोस्तों। और सिलाई हमारी लग चुकी है दोस्तों, यहां से हम काट कर इसे बराबर कर देंगे और अंदर का कपड़ा काट लेंगे हम गले के इस तरह से। और उसके बाद हमने सीधा किया, इसे अटैच कर लिया है। और दोस्तों अब हम इसमें कटिंग करेंगे, ये 14.5 इंच लंबाई में चाहिए थी, तो हमने 15 इंच पर कटिंग का निशान लगाया है और मुड्ढे का निशान लगाया है 6 इंच का। और इसमें जो फिटिंग थी उस हिसाब से हमने निशान लगाएंगे। 3 इंच के लिए हमने पट्टियाँ छोड़ी है मुड्ढे की, इस तरह से हम ढाल देंगे यहाँ पे इस तरह का। और कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये हमारे सामने वाले पल्ले की कटिंग हो गई है दोस्तों, और अब हम इसमें निशान लगाएंगे प्लेट के। तो इस तरह से हम प्लेट के निशान लगा लेंगे, यहाँ से 2.25 इंच रहेगा ये लंबाई, 5 इंच रहेगी। और ये वाली पट्टी के हिसाब से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ तक निशान लगेगा। ये वाला नीचे वाली प्लेट है और ये बीच वाली है,
ये प्लेट के निशान लग चुके हैं दोस्तों। इसकी फिटिंग रहेगी 17.5 इंच, 13.5 इंच नीचे रहेगी। निशान लगा लिए हैं इस तरह से प्लेट के, और इसे सीधा करेंगे इस तरह से। इधर भी हम निशान लगा लेंगे वैसे ही जैसे हमने इसमें लगाए थे। और अब हम प्लेटें डालेंगे। नीचे वाली प्लेट रहेगी चौड़ी, 1 इंच चौड़ाई रहेगी लगभग, और साइड वाली प्लेटें हमें नॉर्मल डालनी है जैसे हम डालते आए हैं, पतली पतली। इस तरह से हमने प्लेटें डाल ली है दोस्तों। और अब हम डालेंगे बीच की प्लेट। तो हमने पहले सिलाई लगा ली है ताकि अस्तर जो है साथ में ही अटैच हो जाए इस तरह से। और अब हम इसमें प्लेट डालेंगे, यहीं से मैं सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों। ये हमारी प्लेट पड़ चुकी है दोस्तों, सामने वाली भी और साइड वाली भी। सब देखिए दोस्तों, आगे का पल्ला जी तैयार हो चुका है दोस्तों। और इसे हम फिक्स निशान लगाकर रख देंगे, 17.5 इंच है। तो हमने 17.5 इंच का आधा निशान लगाकर छोड़ दिया है। नीचे कमर पर हमारा 13.5 इंच रहेगा, तो 6 इंच पर हमने निशान लगा लिया है, 6.5 इंच 7 इंच तक। इस तरह से निशान लगाकर इसे सामने सामने को रख देंगे एक साइड से। अब हम बैक साइड को भी तैयार करेंगे उसी तरह से। और बैक साइड की भी लंबाई ज़्यादा है तो हम इसे भी उसी तरह से फोल्ड करेंगे। लगभग 1.5 इंच ज़्यादा हो रही है, तो हमने निशान लगा लिया इस तरह से। यहाँ से हमारी बैग फिक्स हो जाएगी। तो हम इसको उठाएंगे इस तरह से और इसके ऊपर से इस तरह से रख देंगे और सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर से। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली ऊपर से। ये सिलाई हमारी लग चुकी है दोस्तों। और अब हम इसके ऊपर से अस्तर रखेंगे। देखिए दोस्तों, ये 14.5 इंच आ गई लंबाई, इतनी रहेगी 14.5 इंच। आधा इंच दबाव में चली जाएगी तो फिक्स आ जाएगी इसकी लंबाई। अब हम इसको बनाएंगे। ये अस्तर है हमारा सादा कटा हुआ है बिल्कुल। इस तरह से रखेंगे, बीच में सेंटर पर एक सिलाई लगाएंगे ताकि अस्तर इधर उधर ना आटे। अब इसके ऊपर से हमें सिलाई लगानी है गले के हिसाब से, जैसा इसमें गला बना हुआ है हम उसी के हिसाब से इसे बनाएंगे। इस तरह से हम किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे गले के, जो बना हुआ गला है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और इसमें कुटकी लगा देंगे ताकि फिनिशिंग रहे इसमें। और इसमें अब हम इस तरह से नाखून लगाएंगे और सीधा करेंगे इसे इस तरह से। और इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है पैर भर की। इस तरह से नाखून लगाते हुए सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दोस्तों। और ये हमारा गला बनकर तैयार हो गया है बैक साइड का। देखिए दोस्तों, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से फोल्ड करके।
यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह से और गले को बराबर रखेंगे। और इतना हमारा फोल्ड के लिए नीचे सवा 1.5 इंच लगभग मान के चलो। और ऊपर से हमने निशान लगा लिया है, 6 इंच के मुड्डे रहेंगे इसके। और इस तरह से एक निशान लगाया, 3 इंच हमने मुड्डे रखे हैं, ये चौड़ाई जो पट्टी है मुड्डे की। इस तरह से हमने ढाल दे दिया इसमें और यहाँ से कटिंग कर देंगे। इस तरह से लहंगे की ब्लाउज को इसी तरह से हम अधिकतर बनाते हैं, साथ में ही कटिंग करते हैं तभी फिनिशिंग आ जाती है और अच्छी फिटिंग भी आती है। क्योंकि लहंगे के ब्लाउज जो होते हैं वो उसके साइज अलग अलग आते हैं, तो साथ में कटिंग करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, और बनाते समय कटिंग करते जाएं तो थोड़ा आसान रहता है। इस तरह से हमने अस्तर को अटैच कर लिया है। इस तरह से अस्तर को अटैच कर लिया है और हमने ये निशान लगा लिए प्लेट के। इस तरह से इसमें भी चौड़ाई लगभग 1 इंच की रहेगी नीचे की, और प्लेट की लंबाई रहेगी 4.25 इंच। फोल्ड जो हमने फोल्ड करने के लिए कपड़ा छोड़ा है उसे छोड़कर इस तरह से हमने प्लेट डाल ली है दोस्तों दोनों। और नाखून से इसे बैठा दिया प्लेटों को। और अब हम सेंटर पर निशान लगाएंगे इस तरह से फोल्ड करके, जितनी इसकी फिटिंग है उस हिसाब से लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों 17.5 इंच है, तो हमने 1.5 इंच तक निशान लगा लिया है। इस तरह से नीचे 13.5 इंच रहेगा, तो हमने उस हिसाब से निशान लगा लिया है। और अब हम पल्ले को रखेंगे इसके ऊपर से। इस तरह से हमने कंधे की जुड़ाई कर ली है दोस्तों। दोनों कंधे की जुड़ाई हो चुकी है दोस्तों। और अब हम इसकी फिटिंग के हिसाब से निशान लगाए थे जो हमने, उसी के हिसाब से एक साइड से चेन रहेगी दोस्तों, जो इस तरह से हम निशान लगाएंगे चेन का। और यहाँ से डबल सिलाई लगाएंगे, वापस लेके जाएंगे मशीन को। और इसके ऊपर से अब हमें एक कच्चा सिलाई लगानी है, जो हमने कुट के लगाए नीचे फिटिंग वाले, उसी के हिसाब से लगा के लानी है सीधी सिलाई इस तरह से। और अब हमें नीचे दूसरी पल्ले दूसरी तरफ से जुड़ाई करनी है नीचे से कुट के मिलाकर, जो हमने कुट के लगाए थे इस तरह से। इधर भी हमें डबल सिलाई लगानी है। देखिए दोस्तों इसकी फिटिंग आ चुकी है 17.5 इंच, तो एकदम सही है फिटिंग। और नीचे भी नापेंगे 13.5 इंच आ रही है दोस्तों, सही है, यहाँ तक आ गई है। और अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। ताकि धागे ना निकले। इस तरह से फोल्ड कर लेना है हमें। ये हमने फोल्ड कर लिया है दोस्तों। और इस साइड को भी फोल्ड कर देना है इस तरह से। और अब हम इसकी कंधे को पक्का करेंगे, तो अस्तर की पट्टी छोटी सी काटेंगे, एक लगभग 1.25 इंच की चौड़ाई होगी, और उसे इस तरह से रखेंगे ताकि कंधे के ऊपर से जो धागे हैं वो निकले ना, और पक्की हो जाएंगी कंधे यहाँ से।
इस तरह से जो धागे हैं वो अंदर की ओर हो जाएंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों ये कंधे हमारी पक्की हो चुकी हैं और अब हम इसमें आस्तीन अटैच करेंगे। तो आस्तीन को बनाएंगे पहले तो इस तरह से, अस्तर को हम सीधा रखेंगे और आस्तीन को भी सीधा रखेंगे। इसके ऊपर से हम अस्तर को अटैच इस तरह से कर लेंगे। ये आस्तीन सीधी रखी हुई है, इसके ऊपर से अस्तर है। इस तरह से हमने अस्तर को अटैच कर लिया है आस्तीन में और इसे सीधा करेंगे इस तरह से नाखून लगा के। यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है एक ऊपर से। इस तरह से ऊपर से सिलाई लगा लेंगे हम। इस तरह से अस्तर को अटैच कर देंगे। और इसके मुड्डे रहेंगे दोस्तों 7.5 इंच, तो हमने इस तरह से निशान लगा लिए। और नीचे की ओर रहेंगे 5 इंच, तो हमने 5 इंच पर निशान लगा लिया है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर से। और ये हमने एक्स्ट्रा में सिलाई लगाई है, इसमें ओवरलॉक होने में दिक्कत नहीं होगी इसलिए। और इसे सीधा करेंगे। ये आस्तीन हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम आस्तीन को अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों ये खलाई खलाई मिलाएंगे हम। इस तरह से आस्तीन को अंदर रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम आस्तीन को अटैच कर देंगे। उसी तरह से दूसरी आस्तीन को भी अटैच करेंगे। इस तरह से हमने दोनों आस्तीन को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। और अब हम इसमें साइड से चेन लगाएंगे। इस तरह से हमने कच्चा लगा रखा है नीचे से, ऊपर से हम चेन को रखेंगे इस तरह से। चेन को हमें उल्टा रखना है ताकि सीधे तरफ सीधा आ जाए, उसका कुंडा नीचे रहेगा। उल्टी तरफ रखकर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों चेन अटैच हो चुकी है और अब हम इसकी जो सिलाई लगी हुई थी, कच्चा लगा हुआ था, उसे हम खोल देंगे। हमें चेन लगाते समय डबल सिलाई लगानी होती है ताकि मजबूती रहे।
और ये सिलाई जो है कच्चा लगा हुआ था, वो हम खोल दे रहे हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों, चेन लगने के बाद कुछ इस तरह की दिखेगी। और अब हम इसे सीधा करेंगे इस तरह से, और नीचे को फोल्ड करेंगे। ये 13.5 इंच आ गई है नीचे फिटिंग इसकी। अब नीचे दामन को फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से नीचे को फोल्ड कर लेंगे दोस्तों। ये हमारा दामन फोल्ड हो चुका है नीचे का ब्लाउज का, और कंप्लीट हो चुका है ब्लाउज। देखिए दोस्तों, इस तरह की चेन आएगी लगकर साइड से। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताएं, और हमारी कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी है आप लोगों को तो मुझे कमेंट में बताएं। ये ब्लाउज हमारा कम्प्लीटली बन चुका है। देखिए दोस्तों, इसे हम सीधा करके दिखाएंगे आप लोगों को। और इसमें हमने वो अलग कर लिए, देखिए कुछ इस तरह का लुक आएगा बनने के बाद। अगर आप लोगों को ये स्टिचिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के पास हमेशा वीडियो में आती रहे मेरी। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के।